अज्ञात है, कठिन और अल्प है, और वह भी दुख से युक्त है। केवल पढ़ते जाओ। ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जिससे कि पैदा हुए लोग ना मरे, बात सुनिए, प्राप्त करके भी मरना होता है। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है, जैसे पके हुए फलों को सुबह के समय गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म के लिए प्राणियों को नित्य मरने से डर लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के सभी बर्तन टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का। आज हम रिछार गांव में बड़े बनते राहुल संस्कृत ज्ञान का सभी मरण के बस में चले जाते हैं, जो पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं उसी उपलक्ष्य में ये पाठ कर समय न तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं को देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए ही, मरण अकेले ही प्राणियों को वध किए जाने वाले। वो क्या बोल रहे हैं वो सुनो, पूछा जाएगा फिर आप क्या बोल रहे हैं वो सुनो। इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है, इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जान करके सुख नहीं करते हैं। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को ना देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे, किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती है, बल्कि अधिक दुख उत्पन्न ही होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और कुरूप हो जाता है, उससे मरे हुए का पालन नहीं होता है, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वह बेहद दुखी होता है, वह मरे हुए व्यक्ति के लिए सुख करते हुए सुख के ही बस में पड़ जाता है। इधर ही बैठो, थोड़ा आगे बैठो, आगे हो, आगे यहीं बैठिए, यहीं आगे हो जाओ, नहीं यहीं यहीं बैठो, नहीं बैठो, नहीं बैठो, आप थोड़ा आगे हो जाओ, आप आगे हो जाइए, थोड़ा हाँ, आप तो बोलते रहो। अपने कर्मानुसार अन्न भी मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के बस में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए जीव प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचे कि वह अब मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर